Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth or study of truth. Uske vipreet hai mythology, which means science or study of a clever imagination. Today I'm very happy. You can see it that today we are going to have our Kusumlata Mataji, Professor Kusumlata Kedia ji, joining from Himalaya, Deodhar. Without delay, let us welcome her to the show. Namaskar. Himalaya se sabko pranam, Aditya ji ko. Aditya ji, satsang ke liye adarsh sthan hai. Ekdam dikhi raha hai mujhe. Aur yahan 8000 ke altitude par hoon. चारों तरफ देवदार के वन है, हिरण है, रात को तेंदुआ आता है और निस्तब्ध शांति है। न एक मनुष्य मुझे देख सकता है, न मैं किसी को देखती हूँ। चलिए, मनुष्य तो दिखने चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऋषि मुनि रहते हैं तो साधारण मनुष्य कहाँ दिखेंगे। यहाँ तो सिद्ध, चारण, किन्नर, गंधर्व, ये सब रहते हैं। वाह। और हाँ, देव भूमि है तो वहाँ पे सामने देवी माता का मंदिर है, गायत्री माता का पहाड़ी के ऊपर और वैष्णो देवी का। एक्चुअली हमारे का नाम है बुरांश खंड। यहाँ बुरांश के फूलों के वन है, पूरे मार्च अप्रैल में सब लाल रहता है, लाल और पिंक गुलाबी। एक्चुअली इतना ब्यूटीफुल सीनरी है कि वहीं से इधर शांति मिल रही है हिमालय पे। और बादल, लेकिन मैं यहाँ बैठी हूँ एक तरह से एज पे और मेरे से 7000 फीट नीचे गहरी खाई जा रही है और देहरादून पूरा दिख रहा है। तो मैं ऊपर हूँ, बादल नीचे है बरसात में। तो ये इसी बरसात में करेंगे, आपको सारे बादलों की अटखेलियां दिखने को मिलेंगी, सारे सुनने वालों को। एक्चुअली आपके ही थोड़ा सा उत्तरी पूर्वी दिशा से अगर जाएं, थोड़ा दूर जाएं, तिब्बत को क्रॉस करने के बाद आज कुछ चीन में कुछ न्यायिक खेल चल रहा है। चीन में रशिया के प्रेसिडेंट चीन गए हैं और वहां पर बातचीत हो रही है, लेकिन अमेरिका चिंतित है। वहां पे बातचीत चल रही है लेकिन अमेरिका चिंतित है। तो आपने तो यूरोप पे इतना स्टडी किया है और वेस्ट पे इतना स्टडी किया है, तो ये चीन और रशिया की मुलाकात पे अमेरिका दुखी क्यों? देखिए, ऐसा है, कई बार चिंता का, क्रोध का, दुख का पोस्चरिंग करना पड़ता है। बहुत से काम पोस्चरिंग से निपटते हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक चीज जो ध्यान में रखने की है, ये तीन, रूस, चीन, अमेरिका, ये तीनों आर्टिफिशियल नेशन स्टेट है जिनको आर्बिट्रेरली इलीगली डिक्लेयर किया गया है। ये दूसरे की भूमि पर है और यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबर बने हुए हैं और सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं। अब तीसरी बात, जिसको रूस और चीन कह रहे हैं वो तो बहुत छोटे नन्हे नन्हे एंटिटी हैं। रूस सोवियत रूस के रूप में बहुत बड़ा बना और 1990-91 में टुकड़े टुकड़े हो गया। बहुत से देशों पर जिन पर इलीगल ऑक्यूपेशन था, वो ईस्टर्न यूरोप जिसको कहते हैं, उसमें 10-12 निकल गए और बाकी जो एशियन पार्ट जिसको कहते हैं उसमें 10-12 निकल गए। तो जैसे मैंने कहा ये इलीगल नेशन स्टेट है, उसी तरह दूसरा ये इलीगल, बर्बर, इनह्यूमन और क्रूवेल ऑक्यूपेशन है, दूसरे की भूमि, दूसरे की संपत्ति, दूसरे का की धरती, दूसरे की संस्कृति, दूसरे का धर्म, दूसरे का स्वत्व, दूसरे का आनंद, दूसरे का सुख, उस पर ये बलात् कब्जा है
और अभी जिन दो की बात कर रहे हैं, रूस और चीन, ये तो 20th century फेनोमेना है। और इनकी खासियत क्या है, दोनों कम्युनिस्ट एंटिटी या कम्युनिस्ट ऑक्यूपेशन के रूप में बलात् कब्जा किए हैं भारत के विशाल भूभाग पर, या जिस हिमालय में मैं बैठी हूँ, इस हिमालय के बलात् के विशाल भूभाग पर बलपूर्वक कब्जा भी मैं नहीं कहना चाहूंगी, छल पूर्वक कब्जा है ये, एक बात। दूसरी बात ये ध्यान रखने की है, रूस और चीन कहने का कोई अर्थ नहीं है, ये रिश्ता व्यक्तियों का है। जब तक स्टालिन था और यहाँ जब तक माओ था, मैंने आपके चैनल पर, मुझे याद है, ये सारे एपिसोड किए थे, पढ़ के सुनाए थे। 1949 में माओ, जिसको आज चाइना कह रहे हैं, जिसको पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यूरोपियंस कहते हैं, वो अपने को झोंगवाऊ कहते हैं, इसको जब ऑक्यूपेशन करा दिया अमेरिका ने, सोवियत रूस ने, इंग्लैंड ने और नेहरू ने एक विशाल भूभाग पर, तब इसके पास तिब्बत और सीक्योंग नहीं था और ये अब इससे निकल रहा, एक बात। तब स्टालिन ने माओ की जो दुर्दशा की थी, तो चीन और रूस नहीं, माओ और स्टालिन, और क्या की थी कि माओ को कहना पड़ा कि न मैं यहाँ खा सकता हूं, नाइदर आई कैन ईट नॉर स्लीप नॉर शिट, क्योंकि स्टालिन ने जानबूझ के ऐसा कमोड दिया था, ही प्रॉपरली कुडंट ईज हिज बाउल। स्टालिन के डर से माओ कांपता था, एक बात। अब कौन दो मिल रहे हैं, रूस और चीन नहीं मिल रहे हैं, पुतिन और शी जिनपिंग मिल रहे हैं। और जहां तक मेरी समझ है, जो बाइडेन और अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन पोस्चरिंग कर रहा है, एंजाइटी की, स्ट्रेस की, दुख की, क्रोध की, जो भी पोस्चरिंग कर रहा हो, मैं तो हिमालय में बैठी हूं, अभी क्या चल रहा है मैं चाह के भी नहीं जानना चाहती, क्यों। अब इसको ध्यान से सुनिए, कम्युनिस्ट रशिया को निपटाने के लिए निक्सन और किसिंगर जाते हैं उस मरे गले दुर्बल निर्धन कंगाल कम्युनिस्ट पार्टी के हेड माओ से तुंग के पास, और उसको खड़ा करते हैं कि तू उलझाया रख सोवियत रूस की लीडरशिप और सोवियत रूस की आर्मी को। ध्यान दीजिए, तू उलझाया रख और तुझे उलझा, तू उलझा सके, क्योंकि कंगाल है, तो इसके लिए न केवल आर्मामेंट्स जा रहे हैं, दुनिया भर का मिलिट्री का साजो सामान जा रहा है, मिलिट्री पर्सोनल भी जा रहे हैं, स्ट्रेटजी भी जा रही है, चीनियों की ट्रेनिंग भी हो रही है। परिणाम स्वरूप सोवियत रूस का विखंडन, उस समय पुतिन तो केजीबी हेड थे ना, ये ऑर्थोडॉक्स चर्च वाले लोग हैं ना, ये भूल जाएंगे उस चोट को। याद कीजिए, एक और घटना याद कीजिए, 1962 का क्यूबन क्राइसिस, उस समय कौन था रूस में, ब्रेजनेव था कि एक दो में से एक थे, मुझे नाम, स्टालिन के बाद जो भी था 1962 में, क्रुश्चेव था या ब्रेजनेव क्रुश्चेव, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। तो माओ से तुम उससे पूछने गया, ये सब ऑन रिकॉर्ड है, कि थोड़ा ये तिब्बत वाला हिस्सा जो छूट गया है, कश्मीर वाला हिस्सा जो छूट गया है, ये कब्जा कर लूं, तो रूस का प्रीमियर, सोवियत रूस का प्रीमियर कह रहा है कर ले, क्यों, ये बहुत खुराफाती है, मैं क्यूबन क्राइसिस में उलझा हूं मिसाइल वाले मामले में, तो ये बॉर्डर्स को डिस्टर्ब ना करे। और जैसे ही यूनिलैटरल मिसाइल्स को वापस लेके वो जो पूरा कांड हुआ था लौटा है, अगले दिन माओ से तुंग पीआरसी पीएलए यूनिलैटरल सीज फायर डिक्लेयर करके चल गया।
इसमें एक फैक्टर ये भी है कि नेहरू को ओवर रूल करके आर्मी ने कहा कि आर्मी फौज सेना जो टेक्निकल नाम है कि हम अपने सैनिकों को एयर कवर देंगे। 10 दिन तक नेहरू ने एयर कवर नहीं लेने दिया। अब शी जिनपिंग जा रहा है, इसकी आयु 70 के ऊपर है, इसका कम्युनिस्ट पार्टी पर कंट्रोल चूर चूर हो चुका है। प्रमाण, अगर तुम्हारा कम्युनिस्ट पार्टी पर सहज कंट्रोल है तो तुमको उसका जो भी नियम कायदा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन जो कुछ है उसको बदल कर, वहां नियम 2 टर्म का है, पुतिन के लिए भी 2 टर्म था और शी जिनपिंग के लिए भी 2 टर्म था, दोनों ने नियमों को बदल कर, उनकी भाषा हमारी भाषा, नियमों को वॉयलेट करके तोड़ के 3rd टर्म लिया है। और उसके बाद दोनों ने कम्युनिस्ट पार्टी में भयंकर पर्जिंग की है। पर्जिंग का मतलब उसके जो अपने खास पिलर्स हैं, हैंड्स हैं, विश्वास पात्र हैं, बलवान पोजीशन पर हैं, क्रूशियल पोजीशन पर, या तो मार रहे हैं या गायब कर रहे हैं। गायब करने का मतलब होता है मरना डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं या क्रूरता पूर्वक धीरे धीरे मार रहे हैं। तो 2 कौन मिल रहे हैं? रूस और चीन नहीं, एक कमजोर पुतिन, एक कमजोर शी जिनपिंग, ये 2 मिल रहे हैं। दोनों का अपने सोर्स पावर क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी। सोर्स पावर का क्या है? फौज। सोर्स पावर का क्या है? उनका जो भी डिफेंस स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक एस्टैब्लिशमेंट, इस पर पकड़ ढीली हो चुकी है। केवल ढीली नहीं हो चुकी है, विद्रोह और बगावत के सुर इतने तेज है, हत्याओं का दौर करना पड़ रहा है। इसमें अमेरिका को चिंतित क्यों होना है? जब चाइना में स्क्वायर हुआ, जो अभी जिनझांग में जो उइगर लोगों का सफाई कम्युनिस्ट पार्टी कर रहा है, तिब्बतियों का जो नाश कर रहा है, इसके बाद अमेरिका चाहे, इंग्लैंड और फ्रांस चाहे, तो चीन परमानेंट कम्युनिस्ट जो पार्टी है वाला जो मामला है, इस यूनाइटेड नेशंस में ध्यान दीजिएगा, माओ को परमानेंट सीट या मेंबरशिप बहुत बाद में मिली है। कब मिली है? अमेरिका ने कब दिया? जब सोवियत रूस को निपटाना था, तो जो दे सकता है वो ले सकता है, वो ले नहीं रहे। ले नहीं रहे हैं का मतलब एक झंझट को निपटाना है, लेकिन एंजाइटी, एंगर, पेन, इसकी कोई जरूरत नहीं है। 1-2 बात मैं और ऐड करूंगी, फिर आपका कमेंट ले लूंगी। 1990 से सोवियत रूस के निपटने के बाद से चाइना को, जिसको अभी पीआरसी कह रहे हैं, चाइना नहीं कहना चाहिए, पीआरसी कहना चाहिए, क्योंकि ये कम्युनिस्ट पार्टी का मामला है। वो तो 6 नेशन स्टेट है, वहां विशाल 6 नेशन स्टेट है, जिसमें चीन शायद सबसे छोटा नेशन स्टेट है। तो 1990 के बाद इसको मैन्युफैक्चरिंग हब बनाता है यूरोप और अमेरिका। जो बनाता है, अगर आप एंगस मेडिसन की रिपोर्ट देखें, मैंने अभी उठाया नहीं है, तो 1973 से 1998 का जो क्वार्टर है 25 साल का, इसमें यूएसए का और यूरोप का रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ भारत से कम है। तो इसको मैन्युफैक्चरिंग हब बनाता है 90 में खर्चा करके, और 2000 से इसके डिस्ट्रक्शन की बात सोचता है। ओसामा बिन लादेन के कारण अफगानिस्तान में उलझता है, और जितने अमेरिकन पब्लिकेशन है वो कह रहे हैं हमको मियां लोगों से हाथ धो के बाहर जाना चाहिए,
लेट देम किल ईच अदर, निपटाओ। साउथ सीज में, साउथ चाइना सी जिसको कह रहे हैं, जो वस्तुतः मलाय सी है, मलय सागर है, इसमें पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी को सी नेवल पावर बनाता है अमेरिका, और उसको निपटाता भी है अमेरिका। तो 20वीं शताब्दी के फर्स्ट डिकेड, सेकेंड डिकेड में भारत और जापान को कंटेन करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी की जरूरत है, और 2024 में जापान और भारत की जरूरत है, इजराइल की जरूरत है। तो इन दोनों के मिलने से यूएसए में, पेंटागन में, उनके और जो भी इम्पोर्टेंट एस्टेब्लिशमेंट है, नो एंजाइटी, नो स्ट्रेस, नो गुस्सा, मतलब पूरा दिखावा है, पूरा का पूरा पोस्टरिंग है, पोस्टरिंग है। जैसे मैं यहाँ आई जिस दिन 6 तारीख को, बहुत टेंशन है, झाड़ू लगाना है, बर्तन लगाने हैं, चादर बिछाना है, बगीचे की सफाई करना है, काम तो है ही है, लेकिन ये गुस्सा, दुख, एंजाइटी जैसा तो नहीं है। करेक्ट, अकेले कर रही हूँ, शाम तक ठीक कर लूंगी। करेक्ट, तो जो केओस स्वयं यूएसए ने वहां फैलाया है, डिसऑर्डर, केओस, वो जो भी नाम दे उसको, दो ढाई साल, इससे ज्यादा का मामला नहीं है। मैं फिर भी 2029 कह देती हूँ, मोदी जी का तीसरा टर्म, मेरी अपनी समझ है, 1.5-2.5 साल, 6 महीना भी हो सकता है। तो उसके बाद फिर अमेरिका जो है इंडिया पे ध्यान देगा, इंडिया पे, इंडिया को बर्बाद करने के लिए। अमेरिका देखिए, फिर अमेरिका भी बिस्नोबर है, आप ही बताते हैं, डेमोक्रेट है, रिपब्लिक है, चर्च है, कम्युनिस्ट पार्टी है। यूरोप में चर्च को तोड़ा बहुत से लोगों ने, लेकिन 20वीं शताब्दी में सोवियत रूस के बाद ये कम्युनिस्ट भारी हुए, और सबसे ज्यादा कम्युनिस्ट पकड़ अमेरिका में है। ये दोनों आपस में लड़के एक दूसरे को निपटा रहे हैं। तो इसमें एक बड़ा वर्ग है जिसको अपनी असलियत पता है, और ये असलियत क्या है कि यूएसए में इनका डोमिनेंट पोजीशन में रहना अब संभव नहीं है। नहीं, वो जो पुस्तक है ना, क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन कौन है लिखने वाला, हंटिंगटन, हंटिंगटन, उसका प्रीफेस पढ़िए, मेरी समझ से 90, 92, 94, 96 का पब्लिकेशन है 90s का, और वो पब्लिकेशन उसके पहले के दो लेखों पर छपा हुआ है, जो किसी फॉरेन अफेयर जर्नल या कहीं उनके स्ट्रेटेजिक जर्नल में छपा है। उसमें उसका मेन कंसर्न है कि हमारी आइडेंटिटी खो रही है। किसकी आइडेंटिटी, यूएसए की नहीं, जो डोमिनेंट ग्रुप है वो डिफाइन करता है वाइट प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन मेल, आपको तो याद होगा डब्ल्यू, ये क्या चार, WASP, वास्प, हाँ। तो इनकी आइडेंटिटी खत्म हो रही है, क्यों खत्म हो रही है, अरे तुम थे ही थोड़े से, तुम थे ही बदमाश, तुम थे ही ऑक्यूपेंट, अब वहां कौन कौन है, मूल अमेरिकन है, या अफ्रीका वाले जो गए वो भारी भरकम है, और जो मूल अमेरिकन मेक्सिको से जो अंदर बढ़ रहे हैं वो है, और दुनिया के हर जगह से वहां आए हुए लोग हैं। वो नेशन नहीं है, वो अमेरिकन स्टेट है, जहां कागज के एक टुकड़े पर सिटीजनशिप है। तो ये जो सिटीजनशिप दिया गया है, ये ऑक्यूपेंट के इच्छा से, कंसेंट से दिया गया है, कोई घुस तो नहीं गए ये लोग, उसका तो दोनों बॉर्डर पानी का बॉर्डर है, नीचे वाला जरा सा बॉर्डर है मेक्सिको वाला, इसके कंसेंट से एंट्री है, इसके कंसेंट से सिटीजनशिप है। यूएसए की चिंता है, यूएसए मतलब वही वास्प की चिंता है, यूरोप तो वापस नहीं जाना है।
तो यहाँ कैसे सुख शांति चैन से रहें, ये एक आप ढूंढ लीजिएगा, मैं उतना डिटेल में नहीं बोल पाऊंगी। अमेरिका का यानी वेस्ट का मिनिस्ट्री व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट नाम है, व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट। हाँ, और एक डेफिनेशन और है जो मैंने पढ़ा था, उसका जो भी हो, सिर्फ तीन यूएस प्रेसिडेंट, हाँ सिर्फ तीन यूएस प्रेसिडेंट इस कैटेगरी से बाहर रहे हैं। जो बाइडन कैथोलिक है, जॉन एफ कैनेडी कैथोलिक है, और बराक ओबामा भी कैथोलिक है या इस्लामिक है, दोनों मिक्सचर है वो। ओनली तीन प्रेसिडेंट नॉन वाइट, मतलब नॉन एंग्लो सैक्सन। वहां जो मैंने पढ़ा था मुझे अच्छी तरह याद है, वाइट मेल, फीमेल को तो ये गिनते ही नहीं है आज के दिन भी, व्हाइट मेल प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन, एक डेफिनेशन ये था। अब यहाँ पर मेरे पास किताबें नहीं है, नहीं तो मैं खोल के पन्ना देख के दिखा देती, अगली बार से लाइब्रेरी बना दूंगी यहाँ का। तो अब ये जो माइनॉरिटी में है, ये माइनॉरिटी बुद्धि पूर्वक चाहे तो पूरे को डोमिनेट करके रख लेगी। तो डोमिनेट करके रखने के लिए ये जो हाई सीज में, ब्लू वाटर में पुलिसिंग कर रही है, इससे वापस जा रही है। आपको ध्यान होगा अभी रेड सी में हाउती हूती जो भी उसका उच्चारण हो, ये जो उत्पात कर रहे हैं, उस समय अमेरिकन नेवल फ्लीट तो वापस गया, भारत के जिम्मा दिया है, जो वहां अब्राहमिक अकॉर्ड हुआ है, जो मिनी क्वाड बना है, तो मिडिल ईस्ट की रक्षा का काम किसने लिया है? यूएसए, इजराइल, भारत। और यूएसए जा रहा है इनको जिम्मेदारी सौंप के। तो जितनी उनके पास ताकत है, किसके पास? वो जो यूरोप से आके बसे, किसकी जमीन पर? आप कौन सा द्वीप बताते हैं? जैसे हम लोग का जम्बू द्वीप है, उनका क्रॉंच द्वीप, क्रॉंच द्वीप, क्रॉंच द्वीप। तो क्रॉंच द्वीप के वासियों पर जो ये आके बसे, ये अपनी पूरे ताकत के साथ, ताकत क्या है? मिलिट्री, पुलिस, इंटेलिजेंस, बाकी कुछ नहीं है। इस ताकत से दे वांट टू सर्वाइव इन डोमिनेंट पोजीशन। इसके लिए इनको भारत, जापान, एलआई और इजराइल के पास हाथ जोड़कर विनय मुद्रा, कहां? कमरे के भीतर, टेबल पर। पब्लिक पोस्टरिंग तो तरह तरह की जाती है, आप तो राजनीति के मर्मज्ञ विद्वान है, विदुर नीति, शुक्र नीति मुझे बताते रहते हैं फोन पर, महाभारत का ये प्रसंग, महाभारत का वो प्रसंग। अपने लोगों ने किया है कि जब युद्ध की तैयारी हो रही है, सेनाओं का संग्रह हो रहा है, तो दूत भेजे जा रहे हैं और ये तक कहा जा रहा है कि इंद्र, नहीं इंद्रप्रस्थ है ना, हाँ हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ के 5 गांव भी दे दो तो हम संतोष कर लेंगे। और युधिष्ठिर महाराज ने क्या कहा? जो हमारा था उस पर हमारे वनवास के समय ये अपना मानने लगे, इस कपट को भूल कर जो हमारा है हमें दे दे या हम ले लेंगे। तो अभी 2.5 साल में क्या होना है? संपूर्ण जम्बू द्वीप हम भरत वंशियों का है। 1850, 56, 58, 60 के बाद एक नन्हा सिलसिला शुरू हुआ जो 1907, 8, 9 तक या 5 तक चला। 14 में लड़ाई हो गई, लड़ाई के बादल 7-8 तक छा चुके हैं, तब ये ग्रेट गेम बंद हो गया है। इसमें छल बल, जिसमें नेहरू, गांधी एंड कंपनी, बहुत सारे नाम हैं, ये जो दो मरगिल्ले कम्युनिस्ट पापी असुर, मत बोलिएगा असुर को, कभी सुना है दूसरे असुर को मारता है? नहीं, कभी सुना है आपने? नहीं। ये आपस में अपने सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन को मारते हैं, इसलिए इनको मैं मरगिल्ला कह रही हूँ, मरा हुआ जैसा,
100 साल इनका जीवन नहीं है, ये हमें हमारा क्षेत्र दे दे या हम ले लें। मरगिल्लों के कब्जे में जम्बू द्वीप के तीर्थ स्थान नहीं रहेंगे। देवी देवता मंदिर सब जागृत हैं इस समस्त जम्बू द्वीप में, जिसको सेंट्रल एशिया आप कह रहे हैं। यहाँ के निवासियों का भयंकर निर्मम बर्बर वैशाचिक जो उत्पीड़न चल रहा है, इसको रोकना सनातन धर्मावलंबी सेंगोल राजदंड को धारण करने वाले नरेंद्र का काम है। शी जिनपिंग, पुतिन, जो बिडेन, ट्रंप या तो एलाई बन जाएं या वीर गति को प्राप्त कर जाएं। कुल actually, इतना ही होना है। मैं एक लिस्ट बना रहा था ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज का, ब्रिटिश की ओवरसीज टेरिटरीज का मैं लिस्ट बना रहा था, और मैंने एक शो भी किया, काफी पॉपुलर शो हुआ यहाँ पे, लोगों ने देखा। इतना पॉपुलर नहीं हुआ जितना होना चाहिए, लेकिन फिर भी अच्छा पॉपुलर हुआ। 18 टेरिटरीज पूरे दुनिया के समुद्रों में ब्रिटेन की हैं। कुक आइलैंड्स साउथ अमेरिका के पास में है, मार्शल आइलैंड, नाम बहुत सारे मेरे लिस्ट में है पूरे, मैं अगर नाम पढ़ूंगा ही तो आपको यूजफुल लगेगा। ये है नाम इनके हैं, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, केमैन आइलैंड्स, फॉकलैंड आइलैंड, जिब्राल्टर, जिब्राल्टर भी इनका टेरिटरी है, मोंटेसरात, ब्लैकरेन आइलैंड, सेंट हेलेना, मतलब 21 टोटल टेरिटरी। ये नाम बताते हैं ऑक्यूपेशन है, बिल्कुल है। इन गधों को राज्य करना आता नहीं था, तो ऐसे नाम तो न रखते जो नाम ही बता रहा है फर्जी मामला है, कपट और छल का मामला है। समस्त संसार के सनातनी 20वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी में ये विचित्र प्रकार के जीव जंतुओं को देखकर शौक की, शौक को क्या कहेंगे, अचंभा स्तंभन की स्थिति में थे, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये विचित्र पशु एक दूसरे को नोच काट के खा गए। डेमोक्रेट रिपब्लिक जैसे लड़ता है, लेबर टोरी, हर जगह दो 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 है, मेन छोटे छोटे बहुत सारे हैं। भारत में कभी आपने सुना, किसी सनातनी देश में आपने कभी सुना ऐसे बर्बर हिंसक ढंग से शासक आपस में लड़ते हैं? आपको कथा याद दिला दूं, महाराज शल्य आ रहे हैं, कौन है पांडवों के मामा, दुर्योधन सेवा सत्कार करके अपने यहां ले जाता है, और उसके बावजूद कोई झगड़ा नहीं करते हैं। युधिष्ठिर से जब मिलने जाते हैं महाराज शल्य, तो वो कहते हैं कि आप ये ध्यान रख लीजिएगा, और ये आपस में किस बर्बर ढंग से लड़ते हैं। तो जो आप ऑक्यूपेशन बता रहे हैं वो इनके स्टेपिंग स्टोन्स हैं। जहाज जा रहे हैं, जहाज को रुकने का, फ्यूलिंग का, खाने पीने का, सामान भरने के लिए जगह चाहिए। इसी को ये कहते थे कि हमारे साम्राज्य में सूरज नहीं डूबता, तो बच्चा तू दो लड़ाई में इतना पिट गया कि तेरी वुमन, स्त्री नहीं कहेंगे, तेरे घर की वुमन के पास वेश्यावृत्ति के अलावा कोई उपाय नहीं, और वेश्यावृत्ति भी सड़क पर खुले में। ये सब तो मैं आपको सुना चुकी हूँ, अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भी थोड़ा सुनाया है। ये पूरे एशिया अफ्रीका के कोस्ट पर जा रही है, ये इनका मेजर GDP GNP प्रोवाइडर है 20वीं शताब्दी। तो मैं बहुत गंभीरता से बात कर रही हूँ, और अभी मेरे पास पुस्तकें नहीं है, नहीं तो पन्ने दर पन्ने पढ़ के सुना देती। जो राज काज होता है आजकल का, इसमें सारा महत्व तो पोस्चरिंग का है।
ये अफगानिस्तान से अचानक जो विदा हुए, जो बिडेन की बुराई हुई कि सब हथियार छोड़ के भाग गए, तो जो बिडेन बेवकूफ हो सकता है? अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट बेवकूफ था क्या? जिस तरह ले गया हथियार, टैंक और क्या मिसाइल और क्या क्या, उसी तरह वापस ले जाता, सब वहां क्यों छोड़ गया? एक अशांत, एक अस्थिर, एक डेंजरस क्षेत्र जिसके पास तीन जायंट्स, पुतिन वाला रूस, शी जिनपिंग वाला पीआरसी, नरेंद्र मोदी वाला भारत, तीनों उसी में बझे रहे, और पाकिस्तान को और ईरान को, जिसको दो को अमेरिका को निपटाना था, क्यों निपटाना था? भाई ईरान में आयतुल्ला खुमैनी ने 79 के बाद जो जो किया, पाकिस्तान मियां वालों ने अमेरिका से ले लेकर जिस ग्रेड का धोखा दिया, उसके बाद उसको निपटाने के लिए अगर अफगानिस्तान में थोड़े पुराने औजार हथियार छोड़ देने हैं, तो इससे इंटेलिजेंट मूव क्या होगा? मैंने तो कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, भोपाल जाऊंगी तो आप कहेंगे तो मैं लाइने पढ़ पढ़ के सुना दूंगी, और मेरे पास जो है वो है जो पब्लिक डोमेन में है। बिल्कुल नहीं है एक्सेस अभी 10-11 साल से, तो कोई ढंग के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तक नहीं। आप लोग की होगी तो आप लोग देख लीजिएगा, मैं तो पब्लिक डोमेन के डॉक्यूमेंट्स पढ़ के सुना दूंगी। तो बिल्कुल सही बताया आपने, यस एग्जैक्टली ऐसे ही चल रहा है। एक्चुअली क्या है कि ये मेरे को ये जी मुझे एक समझ में आया ये टेरिटरी स्टडी करके कि जितने भी दंगे फसाद ये लोग करवा रहे हैं इंटेलिजेंस के थ्रू, ये इसी ऑक्यूपेशन को छुपाने के लिए कर रहे हैं, और इसी ऑक्यूपेशन को छुपाना नहीं छुपाने की वजह से भारत को परमानेंट फाइव में एंट्री नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे ये लोग। भारत है, भारत अभी बात नहीं होगी, भारत को ये दुनिया का पुलिसमैन बनाना चाहते हैं। भारत बनेगा नहीं, हमारा जो वर्तमान पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वो चाहे जितना यूरोपियनाइज्ड हो, चाहे जितना भारतीय व्यवस्था को न जानता हो, बेसिक सबके पास सेंस है, ये तो इसके हाथ में थमाएंगे, लेकिन हम थामेंगे नहीं। एक उदाहरण, अभी जो G20 हुआ था दिल्ली में, इसमें वो जो भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की जो बात हुई, मोदी जी का मैंने थोड़ा सा सुना था कि भाई सब लोग का पैसा लगेगा, सबका एफर्ट लगेगा, सबको मुनाफा होगा, लाभ होगा वैरायटी का, और सब रक्षा करेंगे। ये हम लोगों को सहज पता है, क्योंकि हस्तिनापुर में, उज्जैन में, पाटलिपुत्र में, और वो जगह अमरावती में जो हमारे चक्रवर्ती सम्राट बैठते थे, और दक्षिण के भी कई नाम है मुझे याद नहीं है, वो केवल कंटक शोधन करते थे। कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई दिक्कत आ गई तो सुलझा देते, बाकी रोज का काम रोज करो। तो वो तो उनको ये आता नहीं है, क्यों नहीं आता है? वो चर्च के उत्तराधिकारी हैं, चर्च को विद्रोह करके तोड़ा फोड़ा सब नष्ट किया, लेकिन गोरे लोगों को, अभी के चर्च से निकले हुए गोरे लोगों को शेयरिंग नहीं आती, ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की शेयरिंग, ना डिसीजन मेकिंग की शेयरिंग, ना पावर की शेयरिंग, ना मुनाफे की शेयरिंग, ना आनंद सुख उल्लास की शेयरिंग, और इस कारण से वो सिर फोड़ते रहते हैं अकेले अपने पीठ पर बोझा ढोके। लेकिन भारत में तो भाई 1947 तक राजा लोग राज्य कर रहे थे ना, और उस पीढ़ी के बेटे और पोते आज उपस्थित है ना भाई। अभी एक ग्वालियर की महारानी का देहांत हुआ है, तो जो अभी हैं वो उनके पोते हैं ना। तो हमको तो
सबको पता है कि कितना बर्डन लेना है। महाभारत का राजसूय पढ़िए, गए जिसको वीरता दिखानी है उसने वीरता दिखा ली, जिसको वीरता पर संतोष है उसने मान सत्कार किया, सेना आगे बढ़ गई। और जिनसे लड़ाई हुआ, जिनमें पांडवों से सब हारे, वो सब आदर पूर्वक राजसूय यज्ञ में आमंत्रित है, उनका पूजन सत्कार हो रहा है। ये यूरोप अमेरिका चर्च वालों को थोड़ी पता है, तो ये तो पिंड छुड़ा के भागना चाहते हैं। मुझे जहां तक ध्यान है, शायद मैंने आपके चैनल पर शायद ग्रेटर इजराइल वाले में एक वक्तव्य दिया था कि जो यूरोप सुख से जीना चाहता है, और कैसे उन पांच प्रवृत्तियों की बात की थी, और अगर नहीं की थी मुझे गलत याद है तो एक करा लीजिए कल परसों जब आपका मन हो। उसके दूसरे पार्ट में है, वो भी गाया नहीं है। अच्छा, तो वो करा लीजिए कि यूरोप अमेरिका अब सुख से जीना चाहते हैं क्यों, एक, और उनके सुख से जीने की इच्छा से संसार में क्या घटित होने जा रहा है। मेरे लाइफ टाइम 70 की हूँ, स्वामी रामदेव जी ने माथा देख के 90 कहा है, ज्योतिषियों ने 84 कहा है। 14 साल के अंदर क्या घटित होने जा रहा है, एक दो अपने लोग बात कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो पूरा आपने इस एपिसोड को इतना अच्छी तरह समझा दिया है, आई एम टोटली सेटिस्फाइड। इतना डीप हिस्ट्री में आप गई वहां पे, और ये तो ब्रिटिश कॉलोनीज की बात करी मैंने, फ्रेंच की कॉलोनीज भी इतनी है, 15 अभी भी, उनके भी 15 है, और इनकी वजह से ही फ्रांस चल रहा है, इनकी वजह से ये लोग चल रहे हैं, और हर जगह। आज ही एक एपिसोड मैंने डाला था न्यू कैलेडोनिया के ऊपर, न्यू कैलेडोनिया में रिवोल्ट हुआ है, और वहां के मूल निवासियों का नाम सुनने के तो आपको बड़ा हर्ष होगा, कनक नाम है उनका, कनक, वहां के मूल निवासी का नाम। अरे वाह, और ये कनक जो है महाभारत में भी है। हाँ, ये कनक है महाभारत में, ये इनका नाम है लोगों का, कनक है, कनक ये, भाई तो हवा का कनक में कितना फर्क है, ई की मात्रा का, छोटी ई की मात्रा का, तो मतलब कनक का मतलब में ये लिख रहे हैं। वहां हाँ। जाएंगे, उनका उच्चारण क्या है क्या पता, अपने यहाँ राम का रामा हो गया है, कड़ंक, वहां राम कड़ंक, का रोम रोम हो गया है, रोमा हो गया है, कड़ंक, कड़क नाम है, कड़क लोकल भी नाम कड़क ही है। जी जी, और ये हवाई के जो पैसिफिक आइलैंडर्स है उनका भी नाम कड़क है, तो मतलब ये सारे के सारे कनेक्टेड है, सारे के सारे एक ही सभ्यता है। अगेन प्रूव करता है कि वाल्मीकि रामायण का ग्लोबल स्प्रेड, वाल्मीकि रामायण में सबको कनक बुलाया गया है, नाम अभी भी वही है, बदले नहीं है। बट आपने जो करंट अफेयर्स पे इन्हीं का हिस्ट्री से जो एनालिसिस किया है ना, बहुत ही एक्यूरेट है। तो हाउ डू यू समराइज इट, कि लोगों को क्या देखना चाहिए इस दिस वे। हाँ, कि मिड 19th सेंचुरी में जिसको इन्होंने नाम दिया ग्रेट गेम, इन लोग के लिए गेम का अर्थ जहां तक मुझे पता है शिकार करना है। तो सेंट्रल एशिया में जिन भारतीय क्षेत्र को दो कम्युनिस्ट ऑक्यूपेशन में चला गया, वो पुतिन की पोस्चरिंग, सी जिनपिंग की पोस्चरिंग, जो बिडेन, बाद में ट्रंप की पोस्चरिंग, इन दोनों की, पुतिन मान लो हमको लगता है लंबा जिंदा रहेगा, शी जिनपिंग जल्दी जाएगा, उसके बाद जो भी होगा मैं नाम नहीं जानती, अमेरिकन्स को नाम पता होगा, दो तीन होंगे उसमें जो जिंदा होगा उसको होगा। ये सारी पोस्चरिंग का रिजल्ट जो आना है कि ये विशाल क्षेत्र पुनः अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त करेगा, ये जो आर्टिफिशियल बर्बर पाश्विक कब्जा है ये हटेगा, क्योंकि अमेरिका इतना रिसोर्स रिच एरिया, ह्यूज एरिया, पुतिन और शी जिनपिंग के कब्जे में नहीं छोड़ने वाला है। हो सकता है बात हो गई हो,
जाओ भाई आपस में निपट लो, कर लो, हो सकता है ना। अब मैं आपको कुछ मजेदार बात बता रही। मैं काशी में थी, वहां एक गांधी विद्या संस्थान था जयप्रकाश नारायण का बनाया हुआ, झगड़ा मचा, मियां सब आ गए, कम्युनिस्ट सब आ गए, बंगाल की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, दिल्ली के दो दो प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व थे। और मैं कुल क्या करती थी, पोस्टरिंग करती थी तरह तरह से जी। एक इन्वॉल्व थे अटल बिहारी वाजपेयी, एक्स ना, दो प्राइम मिनिस्टर मैंने कहा, और एक इन्वॉल्व थे मनमोहन सिंह, ये अटल बिहारी वाजपेयी के पहले वाले नरसिम्हा राव, उन्हीं के समय तो ऑर्डर हुए थे सारे। तो क्या क्या, और तीसरे भी प्राइम मिनिस्टर एक्स इन्वॉल्व हुए, चंद्रशेखर जी। तो मैं केवल पोस्टरिंग कर करके मामले निपटा देती थी, कब किससे शेक हैंड करना है, और जिससे असली शेक हैंड होता था उससे बाहर कभी कभी। ये पोस्टरिंग, क्योंकि आप लगातार पब्लिक गेज में हो, लगातार आप कैमरे के सामने हो, लगातार आप मीडिया के सामने हो, और अब ये जो मोबाइल का सरदर्द है, हम लोग तो इतना ही जानते हैं, तो आपको सब कर लेना है, जिसकी समझ में आए उसको समझ में आना है, और जिसकी नहीं समझ में आए उसको नहीं देखने देना है। तो जो असली मित्र होते हैं nobody should know, और जो असली शत्रु होते हैं उनको अगर हम वहम दे दें कि वी आर फ्रेंड्स, आराम से हो जाता है। इतना तो मैं जानती हूँ। I'm not coming from a political family. I'm coming from a Vaishya family. Correct. Academic है. और actually आपने बिल्कुल बात, तो वैश्य लोग कांग्रेस की सरकार में जरा यूं से रहे हैं। 1947 तक वैश्य लोग ब्रिटिशर्स के समय ऐसे रहे थे। मेरे नाना जी के नाना जी कलकत्ता के चमड़िया, बंगाल का गवर्नर इनविटेशन सीख करके घर आता था। वैश्य ऐसे रहे सदा की भांति। नेहरू को काम दिया गया भारत के इंटरप्रेन्योरशिप को तोड़ने का, तोड़ने। तब 1947 के बाद वैश्य लोग यूं रहे, लेकिन वैश्य लोग युद्धों को संचालित करते थे, किसको सप्लाई देना है किसको सप्लाई नहीं देना है। वैश्यों का जो नेटवर्क था उससे इंटेलिजेंस इधर उधर चलता था, कौन सा इंफॉर्मेशन देना है, कौन सा मिस इंफॉर्मेशन देना है, कौन सी पोस्चरिंग करनी है दोस्ती की, कौन सी दुश्मनी की। हमने गिफ्ट में मोती दिया, माणक दिया कि पन्ना दिया, देखने वाले ने समझा कि रत्न दिया, मैसेज चला गया। अब इसी तरह का थोड़ा बहुत मैंने सुना है, ज्यादा तो नहीं। बहुत ही एक्यूरेट एनालिसिस, और मुझे तो इसमें मुझे तो सुन के बहुत आनंद आ रहा है, और मुझे, मैं रिलेट भी कर पा रहा हूँ कि किस तरह गेम्स किए जा रहे हैं। और बाकी चैनलों पे मैं देखता हूँ, बाकी लोगों को मैं सुन रहा हूँ कि बहुत ही एक्यूरेसी, जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव नहीं है किसी के पास, तो आई थिंक दर्शकों को ये सुन के बहुत लाभ भी होगा, बहुत बेनिफिट भी होगा। लोग पढ़ते ही नहीं ना है, बोलने की इच्छा है। मुझसे कई बार आपने भी कहा और दो चार लोगों ने कहा, जहां मैं बोलती बालती हूँ, इस विषय पर बोलिए, तो मैं कहती हूँ ये विषय तो मुझे नहीं आता। और बाद में जब एक्सपर्ट लोगों को सुनती हूँ तो लगता है भाई इससे अच्छा ही बोल लेती मैं। तो आजकल तो क्या है, सबको बोलना है, सबको लिखना है, और एक्सपर्टीज लाने के लिए 20-30 साल का अध्ययन तो कम से कम चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और जिस तरह का डेप्थ, जिस तरह का ये लोग स्ट्रेटजी से काम कर रहे हैं, तो वो स्ट्रेटजी पहले बोली जा चुकी है,
ऐसा नहीं कुछ नया किया कर रहे हैं लोग, ये लिख कर बता कर ऐलान करके काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ ऐसी ब्लाइंडिंग। अभी भी और अगले 20 साल तक सबसे ज्यादा पावरफुल रहने वाला है, और ये चर्च के विरासत वाले हैं, कोई मूर्ख नहीं है। शत्रु को निपटाकर, न्यूट्रल्स को या फ्रेंड्स को जगह पर छोड़कर अपना रजाई ओढ़ के सोएंगे। सांप को अगल बगल छोड़कर नहीं सोएंगे। तो इनके सांप तीन ही हैं, यूरो अमेरिकन ब्लॉक के, पुतिन वाला रूस, शी जिनपिंग वाला पीआरसी और मियां लोग वाला मिडिल ईस्ट। तीनों सांपों को बिल विल में भेज देंगे, डिपसीसी उसी में बंद कर लेंगे, बुरी उरी में भर लेंगे, जंगल में छोड़ आएंगे, उसके बाद मुंह ढक के सो जाएंगे। देख लीजिएगा, 2-2.5 साल में कुल इतने होना है। और भारत को कहेंगे, देखो भाई तुम लोग चक्रवर्ती वगैरह थे, अन्यथा ऑक्सफोर्ड की किताबों में चक्रवर्ती और राजसूई का मेंशन, आर्कियोलॉजी की पुस्तक में। मैं पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट नहीं हूँ, तो मैं पॉलिटिकल साइंस की चीजें नहीं पढ़ती हूँ। आर्ट आर्किटेक्चर, आपके यहाँ तो मैंने अभी एक भाषण नहीं दिया है, आर्ट आर्किटेक्चर मेरा पैशन रहा है 75 से, तो आज हो गया 49 साल, बहुत पढ़ा है। तो आर्ट आर्किटेक्चर और आर्कियोलॉजी की किताब में राजसूई की चर्चा, चक्रवर्तित्व की चर्चा पब्लिक डोमेन में ऑक्सफोर्ड को करने की क्या जरूरत है। रॉबर्ट कैपलान को जो ये पुस्तक में कहने की जरूरत है, द लूम ऑफ टाइम, अभी लेटेस्ट किताब है, कि साहब डेमोक्रेसी ये मियां लोग को ठीक नहीं लगती है, इन लोग को तो एम्पायर ठीक लगता है, और एम्पायर ठीक ही ठाक सी अच्छी सी ही चीज है, हम लोग को गिल्ट का प्रॉब्लम है, इन लोग को प्राइड का प्रॉब्लम है। अरे भैया, इतना क्लियर सिग्नल है, ये चुनाव फुनाव जा रहे हैं। भारत में अधिकतम 2 चुनाव का पोस्टरिंग होगा, सब जगह परमानेंट व्यवस्था, जब केंद्र की सरकार का ही 10 साल का स्थायित्व नहीं है, 20 साल का स्थायित्व नहीं है, आप क्या बड़ा काम करेंगे भाई। और ये व्यक्ति कौन है जो हेड ऑफ स्टेट बनते हैं, ना तो जितेंद्री है, ना तपस्वी है, ना शूरवीर है, ना छत्री है, मामूली मरगिले किस्म के आदमी है। 4 साल में क्या करेंगे, अपना घर भरेंगे और अगली बार आने की सोचेंगे। सो यूरोप अमेरिका में को में चर्च से निपटने के लिए पॉपुलर इलेक्शन की पोस्चरिंग करके लोगों ने पावर छीन लिया। अब अपने सुख शांति आनंद के लिए अस्थाई सेंट्रल स्ट्रेंथ आएगा, माने चक्रवर्ती के छाया में सब सुख से रहेंगे। थैंक यू सो मच, आई रियली एम रियली एंजॉयिंग इट, और दर्शकों को भी बहुत आनंद आएगा। पूरा सुनिए ध्यान से, उसके नोट्स बनाइए और पुराने वीडियोस उनके देखिए, लंबा हो गया एक्चुअली, और अच्छी बात भी है कि हमने पूरी बात आगे रखी है। तो बस कंक्लूड करूंगा कि हरिनाम करिए, सीट पे बैठिए, दबाकर बैठिए, जोर से हरिनाम कीजिए, जोर से भारत के चक्रवर्तित्व के लिए, संसार की शांति के लिए। आदित्य जी, 2 टॉक कर लीजिए, यूरो अमेरिकन ब्लॉक सुख शांति क्यों चाहता है और उसके चाहने का वैश्विक क्या परिणाम आने वाला है। बिल्कुल, थैंक यू ऑल वेरी मच। अगले 2 एपिसोड वी कैन डू दैट इमीडिएटली। और तो मैं बोलूंगा ये भी कि अपना इस समय जो भी चल रहा है सिस्टम में, मतदान केंद्र जरूर जाइए, अभी 3 चरण बाकी हैं, गो देयर टू कास्ट योर वोट, अगर आपने नहीं किया है तो, है ना, वो भी आप करिए। सो थैंक यू ऑल वेरी मच, नमस्ते। आई एम वेरी सॉरी, यहां बहुत हल्ला हो रहा है। यस यस,
विल टॉक अगेन। और दर्शकों के लिए भी कीप वॉचिंग सतोलॉजी, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, लोगों को बताइए और ध्यान से नोट्स भी बनाइएगा इस वीडियो के ऊपर। नमस्ते, जय जगन्नाथ। और हिमालय से नमस्कार, और शायद मेरे मीडियम चैनल से सिद्धों का आशीर्वाद। थैंक यू, नमस्ते।